बैक टू मिस्टर व्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोग बहुत सारे माशाल्लाह वीडियोस देख चुके हैं अल मैदा गोट फार्म पे, और हम लोग हैं रेहान भाई के साथ में, तो लेंगे इस बकरे की डिटेल्स रेहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो रेहान भाई, ये आपने गुजरी निकाले हो फॉर सेल के लिए, तो क्या डिटेल्स है भाई? ये जो बकरा है 41 का, अभी इसका हाइट है, हाइट आपने वीडियो में ले लिए रहिए, 41 की अभी इसकी हाइट है, और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली है, वेट ले लेंगे अपन, वेट आप सामने ही करके देख लो। अभी ये बकरे ने 6 दांत अभी फ्रेश लगाया है, 41 की हाइट है, गुलाबी बकरा है, उसके सिंग वगैरह सब देख लो माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिंग में बकरा, एक नंबर चीज है, फॉर सेल के लिए है ये। जो लोग भराई पे, भराई के लिए बोलो या सेल्फ फीडिंग के लिए जो तैयारी पे लेना चाहते हो, ये बकरे को ले सकते हैं। अलमायदा गोट फार्म के ऊपर आप कभी भी कॉन्टेक्ट करके ये बकरे की जानकारी ले। एक बार दांत दिखाओ ना, इसके दांत दिखा देना। ये 4 दांत, ये 5 दांत पे, ये छठा दांत अभी इसने लगाया नहीं है। बराबर है, बराबर है। जी जी, 5 दांत पे बकरा है, 41 हाइट पे बकरा है, और वजन अपन देख लेते हैं। देख लेंगे वजन। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया अपने पास आके? ये मेरे पास है 3-4 महीने से। तो जब आया था तब कितने में आपके साथ में? ये जब आया था मेरे पास तो इसका 1-2 इंच और कम रहेगा हाइट, और जो वेट है इसका, वेट लगभग, अभी इसको मैंने तैयारी पे लिया नहीं है, तैयारी पे अभी मैं इसका लेने वाला हूँ। तो गुजरी वगैरह की बकरे लोग की जो हाइट है वो काफी, मतलब लंबा बकरा होता है। माशाल्लाह, ये तो बकरा, इन लोग की हाइट वगैरह रेहान भाई मतलब काफी अच्छी जाती है हाइट, तो आपके एक्सपेक्टेशन से मतलब कितना इंच और बढ़ सकता है? 2 इंच भी अगर ये और बढ़ेगा तो ये 43 तक जा सकता है। 43 तक जा सकता है। आप देखिए, आपने खुद ही वो 5 दांत पे अभी है, छठा दांत भी अभी किया नहीं है। और इसका वेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब वेट अपन देख लेते हैं ना, और एक्सपेक्ट जो है मेरे ख्याल से 100+ जाना चाहिए। 100+ सेल्फ फीडिंग में ना, 100+ जाना। ये 43 हाइट हो जाएगी तो फिर बचता ही नहीं है ना कुछ। ऐसा बोलते हैं कि मतलब गुजरी बकरे जो है दूसरे मतलब बकरों से ज्यादा वेट, मतलब फीड वगैरह ज्यादा उठा लेते हैं। हाँ, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, और डाइट भी लोग की मतलब हैवी ग्रोथ रहती है। कि खाने पीने में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, और इनकी डाइट बहुत जबरदस्त रहती है गुजरी बकरों। तो आपने कोटा क्यों सिलेक्ट किया? गुजरी आप सिलेक्ट कर सकते थे ना, कोटा ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? मतलब एज इन वेट गेन होता है बकरों में, तो गुजरी बेस्ट गेनर है। नहीं नहीं, वो कोटा जो है वो एक एग्रेशन के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से है ना। लुक्स तो इसमें भी है ना, मतलब मैं एक ऐसी गुजरी, इट्स ओके। मतलब कैसा है मेरे पास में, इसे बहुत से जानवर है, जो हर ब्रीड का एक एक जानवर है मेरे पास। जिंग एक है, मैं बरबरा एक रखता हूँ, पंजाबी रखता हूँ एक दो, लेकिन कोटा जो है ये मेरी पर्सनल पसंद है। अच्छा, और कोटा में जो मजा आता है वो बाकी कोई बकरों में मजा आता है। और ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को आपके फार्म पे, कभी भी झाड़ से पत्ते तोड़ के डायरेक्टली बकरे लोग को खिला दिया जा रहा है। सबसे जरूरी चीज वही रहती है ना, आप स्टॉल फीड कितना भी करो, जब तक उसको पत्ता नहीं मिलेगा उसको मजा नहीं आती है जानवर। वो तो है मेन, मतलब नेचुरल मिनरल्स वगैरह पत्ते से ही मिल जानवर लोग को मिलता है, उसी में मजा आती है जानवर। तो जिसको भी अगर ये बकरा खरीदना है तो डायरेक्टली आप लोग रेहान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। रेहान भाई नंबर बोल देना आपका, 9167924000। ठीक है, तो इसका कुछ नाम वगैरह रखें ऐसा? नहीं, इसका अभी नाम नहीं, नाम नहीं रखे ना। तो जिसको भी खरीदना है अल मैदा गोट फार्म पे, रेहान भाई का नंबर स्क्रीन पे है, आप लोग डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी होगा। अच्छा रेहान भाई, मैंने एक क्वेश्चन पूरा रह गया मतलब मिस आउट हो गया वो, कि ट्रांसपोर्टेशन अगर विद इन मुंबई है तो? ट्रांसपोर्टेशन का मसला ही नहीं है, 500 से 1000 रुपए के अंदर बकरा तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। आउट ऑफ मुंबई रहा तो? आउट ऑफ मुंबई रहा तो भी ट्रांसपोर्ट देते हैं अपन, रत्नागिरी में ट्रांसपोर्ट देते हैं, पुणे में ट्रांसपोर्ट देते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पे जो भी, और एकदम रीजनेबल रहता है। अभी क्या गाड़ियां सब जगह पे जाती है, उसके अंदर आपका बकरा आफियत से आपके घर तक पहुंच सकता है। मुंबई के अंदर अगर आपको बकरा चाहिए, 1000 रुपए के अंदर आपका बकरा आपके घर में पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी गाड़ी की बात की आपने, गाड़ी तो हर जगह जा रही है, तो इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं कि मतलब ओवरलोडिंग का इश्यू हो रहा है? नहीं नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना 10 साल से अपन काम कर रहे हैं, अपने को अंदाजा है कौन सा बकरा कैसे कहाँ पे भेजने का है, तो वो सब चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अपने यहाँ पे। एकदम सुकून से बकरा आपका, जैसा बकरा फार्म पे दिख रहा है वैसा बकरा आपके घर पे मिलेगा। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपका फार्म शूट करके। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हमको फिर से एक अपॉर्चुनिटी देना इंशाल्लाह फ्यूचर में। अरे भाई, तुम्हारा ही फार्म है, जब चाहे तुम आ सकते। ठीक है ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।